फिल्म जगत की लेटेस्ट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। नक्श जी, मोहम्मद रफी साहब के बारे में आप कुछ बताएं। रफी साहब बहुत नेक इंसान थे और गायक तो कुदरत ने आवाज इतनी अच्छी दी थी उनको, अपनी मेहनत से उस आवाज को बनाया भी। मैं एक वाक्य उनके बारे में आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक गाना था मेरा और प्रोड्यूसर नया था और प्रोड्यूसर ने मुझे कहा था कि बप्पी लहरी को का म्यूजिक लेना चाहता है। मैंने बप्पी लहरी साइन करवा दिया। उसके बाद गाना लिखा गया। गाना लिखने के बाद बप्पी से बात हुई कि वो किससे गवाना चाहते हैं गाना। उसने कहा कि रफ़ी साहब इस गाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन रफ़ी साहब से बात आप कर रहे हैं पैसों की बात, क्योंकि उन्होंने देखा कि नया प्रोड्यूसर है, उनका रेट अफोर्ड कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको ले गया बॉम्बे लेबॉरेटरीज में। रिकॉर्डिंग किसी की चल रही थी, वो हम प्रोड्यूसर को लेकर चला गया। रफ़ी साहब मिले, कैसे आना हुआ? मैंने कहा एक गाना गाना है, कब रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैंने डेट बताई, उन्होंने अपनी डायरी देखी, बोला एक डेट खाली है, मैं गाना गाऊँ। उसके बाद दो मिनट के बाद उन्होंने एक सवाल और किया कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन। मैंने कहा बप्पी लहरी, कहने उसको गाना लिखा। तू मेरे पैरों तले जमीन निकल गई है, क्या बात है? क्या बात है रफ़ी साहब, ऐसा क्या है? कह रहे आपको मालूम नहीं, उसने वो सीपी की कोई फिल्म थी और उसमें धर्मेंद्र काम कर रहे थे और धर्मेंद्र हमेशा इंसिस्ट करते थे कि रफ़ी साहब उनका अपने बैग का है। तो और अपना धर्मेंद्र की के लिए गाना रिकॉर्ड करना था, बप्पी ने किशोर को लेके गाना रिकॉर्ड कर लिया। जब पिक्चराइज होने का वक्त आया तो धर्मेंद्र ने गाना सुना। धर्मेंद्र ने कहा कि नहीं, ये मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए। क्या अच्छा गाया गाना, ठीक है, कि मुझे रफ़ी साहब की आवाज़ चाहिए। और मतलब ये उनके कहने का ये था कि इसने शरारत करके ये रफ़ी साहब की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, किशोर की आवाज़ रिकॉर्ड की, मुझे ऐसे आदमी के साथ काम नहीं करना। मैंने कहा मैं तो हक्का पक्का रह गया कि क्या। और उसके बाद कहने लगे, हाँ एक सवाल और किया, कहने लगे आप कभी मेरे पास किसी काम के लिए नहीं आए, आपको यकीनन बप्पी लहरी ने अपना कह के भेजा होगा, क्योंकि तो उसे मालूम था कि मैं अगर जाऊंगा तो रफ़ी साहब इनकार कर देंगे, तो आपको आगे कर दिए उसने कि आप जाके रफ़ी साहब से। मैंने कहा रफ़ी साहब ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये उसके जहन में हो सकती है बात तो मुझे जाहिर होगा। मैं ये लड़के को जानता हूँ जो पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा है और इसको ज़रा पैसा, मतलब ये कि जितना आपका रेट है शायद ये नहीं दे पाए, मैं इसको इसके साथ इसलिए आया। पहले कि मैंने कभी पैसे की बात की, मतलब वो बात नहीं है, लेकिन बात कर लेना ज़रूरी है। तो मेरे कहने से समझाने से उनकी तसल्ली हुई और वो गाना गाने के लिए आए। लेकिन गाना गाते वक्त कहीं उनकी गायकी में या उनके वक्ताओं में मुझे कोई फर्क नहीं था। इतने अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने उसी लगन के साथ गाना गाया जो वाक्य पीछे
गुजरा था उसको भुला के वहाँ वो गाना गाया और गाने में अपनी रूह उनकी और उनके बारे में ये था कि 14-15 फैमिलीज को की मदद कर हर महीने लिफाफे उनके यहाँ जाते थे, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं है वो 15 फैमिलीज कौन है। बाकी ये कि एक बार मैंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ये दो आर्टिस्ट अगर नहीं होते तो कोई छोटा म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकता। इन्होंने हर तरह से मदद की हो, कम पैसों में भी गाने गाए, बगैर पैसे के भी गाने गाए, किसी को काम अच्छा लगा तो बगैर पैसे के भी गाना गाए, तो ये लोगों की कब हमारी यार आई।